Hello and welcome to TV Ka Pataka, your one-stop destination for all entertainment news. Well, dosto, Indian Idol Season 13 में वापसी कर रही हैं जज के तौर पर इंडिया की बहुत ही बेहतरीन सिंगर नेहा कक्कड़। जी हाँ दोस्तों, लेकिन शो में जज बनने के लिए वो ये ऑफर एक्सेप्ट तभी करेंगी जब उनकी तीन सबसे बड़ी शर्तें मानी जाएंगी। वेल, कौन सी हैं ये तीन सबसे बड़ी शर्तें जिसके बिना आपको नजर नहीं आएंगी शो में नेहा कक्कड़? क्या आप लोग भी एक्साइटेड हैं नेहा कक्कड़ को देखने के लिए? वेल, कौन सी हैं ये तीन शर्तें बताएंगे हम आपको पूरी डिटेल, लेकिन उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना आप ना भूलें। वेल दोस्तों, नेहा कक्कड़ इंडस्ट्री की बहुत बड़ी सिंगर है और लंबे समय से वो इंडियन आइडल में जज के तौर पर नजर आ रही हैं। लेकिन ऐसे में इस बार नेहा कक्कड़ ने शो में आने के लिए मेकर्स के आगे तीन बड़ी शर्तें रख दी जिसको अभी तक मेकर्स ने एक्सेप्ट किया नहीं है। अभी भी इस बारे में सोचा जा रहा है, लेकिन वो तीन सबसे बड़ी शर्तें हैं जिनमें से पहली शर्त है कि नेहा कक्कड़ ने अपने हर एपिसोड के लिए मेकर से 11 लाख रुपए मांगे हैं। जी हाँ दोस्तों, 11 लाख रुपए हर एपिसोड के लिए। वेल, शादी के बाद ही नेहा कक्कड़ की पॉपुलैरिटी और भी ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसे में नेहा कक्कड़ अब अपनी फेस के लिए और इस शो का हिस्सा बनने के लिए अब हर बार अपनी फीस को बढ़ा रही है। सेकंड जो शर्त उनकी है वो मानी जाती है कि वो कोई भी आउटडोर शूट नहीं करेंगी और ना ही अपने सोशल मीडिया पर किसी भी तरह का प्रमोशन वो इंडियन आइडल का करना चाहती हैं। जी हाँ, बाहर आउटडोर शूट के लिए उन्होंने सीधे तरीके से मना कर दिया है। वेल, ऐसे में इनकी ये दो शर्तें मेकर्स क्या मान पाएंगे? लेकिन इससे भी बड़ी शर्त तो अभी तीसरी है। वेल दोस्तों, नेहा कक्कड़ ने मेकर्स के आगे तीसरी सबसे बड़ी शर्त रखी है कि वो चाहती हैं सबसे ज़्यादा ऑन स्क्रीन टाइमिंग उनको दिया जाए। और इसी के साथ साथ नेहा ने कहा है कि कोट्योर डिज़ाइनर के ही कपड़े मिलने चाहिए और इनमें शामिल होते हैं इंडस्ट्री के सबसे बड़े कोट्योर डिज़ाइनर्स या फिर फैशन डिज़ाइनर्स नीश मल्होत्रा, तुषार तहलियानी। ऐसे में क्या मेकर्स इनकी ये शर्त मानेंगे? कमेंट करके अपने व्यूज़ आप हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।